कुछ एक लोगों का पी से पीएम तक कैसी होगी ये फिल्म, क्या कुछ देखने को मिलेगा? गिनी चुनी मैं तो बहुत सारी फिल्में बनाना चाहता हूँ, लेकिन मतलब मेरी बनाने की लेकिन मौका नहीं मिलता जो भी। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, मतलब वो फिल्में मैं बहुत सारी बनाना चाहता हूँ, लेकिन जो मौका जब मिलता है। और ये जो फिल्म है वो पी से पीएम तक, वो पॉलिटिकल सटायर है और एक प्रोस्टिट्यूट को लेकर एज ए मेटाफर, एक उसको एक कैरेक्टर जो एक जो सारे पॉलिटिशियंस हैं वो हमारी सोसाइटी में ऊपर हैं और सबसे नीचे तबका है, जैसे नीचे के लोग हैं, उसमें से एक को रिप्रेजेंटेटिव बनाकर इसमें, क्योंकि हमारी कहानी उसके साथ चलती है, तो एक प्रोस्टिट्यूट को कैसे वो चार दिन में किसी बाई इलेक्शन में फंस जाती है और कैसे चार दिन में चीफ मिनिस्टर बन जाती है और फिर उसकी आगे की प्राइम मिनिस्टर की जर्नी क्या है वो दिखाया है। लेकिन चार दिन में कोई चीफ मिनिस्टर बनता नहीं है, तो एक एब्जर्ड सिचुएशन किस तरह से एक, लेकिन आज की जो सच्चाई है उसको पकड़ने की कोशिश की है। उसमें भले पॉलिटिशियंस की कहानी हो ये हो, लेकिन उसमें हम सब शामिल हो जाते हैं, मतलब फाइनली पूरी सोसाइटी का एक अलग तरीके का आईना है, पिक्चर को बनाने की कोशिश है। और उसमें ये कॉमेडी यूज़ की है, सटायर यूज़ किया है, कभी ह्यूमर को सेक्रीफाइस करके जो कहना चाहते हैं उसको वो वेट दिया गया है। और प्रोस्टिट्यूट का किरदार है, लेकिन वो खाली पहला सीन ब्रॉथेल में है और आखिरी सीन ब्रॉथेल में है, बाकी सारी फिल्म में वो जहाँ जिस तरह से वो फंसती है तो जहाँ जहाँ जो भी सीन्स बनते हैं उसके साथ है। लेकिन क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट है, वो दिखाना है और उसके माहौल के बाहर दिखाना है, तो इसलिए वो कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था कि वो जहाँ भी चले, कहाँ भी बैठी हो, जहाँ भी बैठी हो, जिस तरह बैठी हो, जिस तरह वो बात करती है, उसमें से वो मालूम पड़ जाए कि वो क्या चीज़ है, तभी फिल्म बनेगी। जब वो चीफ मिनिस्टर बनती है तो वो बदल नहीं जाती, नहीं उसको पॉलिटिक्स में आना है, नहीं उसको चीफ मिनिस्टर बनना है, लेकिन कैसे संजोग उसको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। और बहुत ही चैलेंजिंग रोल है, क्योंकि एक प्रोस्टिट्यूट हर औरत, ऐसी औरत का एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी होता है, बहुत बड़ा दर्द होता है उसके पीछे, तो दर्द लेके चल रही है फिल्म, लेकिन वो मेन फोकस नहीं है, तो इसलिए वो कॉमेडी भी करती है, अपनी आवाज़ बदल देती है और स्लैपस्टिक है और बहुत सी चीज़ों से वो गुजरती है। उसको उसकी शादी किसके साथ ऐसे ही क्या पैसे देकर उसको वो करना पड़ता है डोंग शादी का, लेकिन प्रोस्टिट्यूट की ज़िंदगी में एक शादी बहुत बड़ी बात होती है, तो उसके साथ उसके क्या 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 होता है, ये सारी चीज़ें भी उसके पर्सनल लेवल पे भी चल रही है। और एक पॉलिटिक्स, क्योंकि वो बाई इलेक्शन में फंसी हुई है, तो उसको वो वहाँ का क्या माहौल है और वहाँ वो जो उसका रिफ्लेक्शन क्या है, किस तरह के पॉलिटिशियंस है, और थ्रू कॉमेडी वो पूरा एक हमारा आईना, जो मैंने कहा इस तरह से आईना बनाया है। मीनाक्षी एक ऐसा नया चेहरा जिसे आपने इस फिल्म में फिल्म के जरिए कोशिश की, इस फिल्म में आप कोई खास वजह, कई सारे लोगों को आप बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप एक्टर को भी आप ले सकते थे इसमें। नहीं नहीं, ये आपकी, थैंक यू सो मच यार, बताइए। नहीं नहीं, मैं पॉपुलर, आप क्या है? सब लोग समझते हैं मैं बहुत कुंदन शाह हूँ, जो आप समझते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है हम जो कहते हैं ना, क्या कॉकरोच, क्या है हिंदी में वर्ड कॉकरोच का, तिलचट्टा, हाँ तिलचट्टा। हम तिलचट्टा से भी गुजरे हैं यार, हमारा स्ट्रगल इतना होता है आपको पता नहीं है, क्योंकि आपको अपनी बात कहनी है, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है ना कि आपको अपनी बात कहनी है, आपको अपनी तरह की फिल्म बनानी है, और तो उसमें आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आप जो समझते हैं वो हकीकत है नहीं। अच्छा। बहुत बार न्यूज़पेपर वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े तीर मारते हैं, तीर कुछ नहीं मारते हैं, इंडस्ट्री हमको बहुत प्यार से बात करती है हमसे, लेकिन वो उनका अलग एक क्या बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन है, हमारा प्री ऑक्यूपेशन अलग है, तो बहुत मुश्किलें होती है। और ये फिल्म में भी ये ऐसी फिल्म, जैसे मैं हर बार कहना चाहता हूँ।